एक अलग तरह का शिविर रहा। इस संदर्भ में जैसे अभी उन स्वामी जी ने बोलकर कहा कि ओशो की एनर्जी काम करती है, करती बहुत काम करती है, उस वक्त भी काम करती है जब हमको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ रुक गया है, ठहर गया है, लेकिन फिर भी ओशो जिनका हाथ पकड़ लेते हैं ना, बस पकड़ लेते हैं और आप नहीं चल रहे होते हैं पर वो आपको चला रहे होते हैं। इस बार शिविर में आना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन हालांकि जब पता चला कि आपका शिविर है तो बुकिंग करवाना करवाने वाले शायद पहले स्वामी जी ही गए थे, सबसे पहले बुकिंग हमारी ही दोनों की हुई। और जब ये हुआ कि शिविर नहीं हो पाएगा तो मुझे मेरे स्वामी जी ने ये याद दिलाया कि बुकिंग अपन ने ही करवाई थी सबसे पहले, तो भी ये था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन स्थितियां बदली। 5 बजे के करीब एकदम से पलटा खाया, लेकिन मेरे मन में एक संकल्प था क्योंकि पिछली बार स्वामी जी ने ये जो कह रहे हैं कि मोबाइल फोन ले लिया था, तो लेकिन मुझे पता था कि नहीं हो सकता है इस बार नहीं जाया जाए, लेकिन मेरे मन में ये था कि 3 बजे शिविर शुरू होगा, तो मन में ये था कि मोबाइल को 3 बजे छोड़ देना है, जाना नहीं जाना मुझे नहीं पता था कि नहीं होगा लेकिन छोड़ देना है, और वो छूट गया ना। 5 बजे अचानक परिस्थितियों ने एकदम पलटा खाया और ओशो सन्यासी के यहाँ एक अटैची तो हमेशा तैयार रहती है, तो बस वो हमारी अटैची तैयार थी, करना कुछ भी ना पड़ा, बस एकदम ये हुआ कि जाना है और हम निकल के समय से पहुंचे। लेकिन एक बहुत सुंदर आपको अनुभव बताती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी कार में आए और बिल्कुल चुप थे, मौन हमारा वहीं से था, घर से। वैसे तो काफी लंबे समय से हमारे दोनों के बीच में मौन ही चल रहा था और कार में भी हम बिल्कुल मौन थे। कार जब आकर रुकती है और हंसा गेस्ट हाउस के सामने, तो जैसे ही हम दोनों कार से उतरे तो स्वामी जी कुर्सी लगाकर भवन के बाहर बैठे थे। मैं और दोनों चौंके, व्यास जी के मुंह से निकला बाबू बैठे हुए। हमारे राजस्थान भाषा का एक मुहावरा होता है, हमारे राजस्थानी के अंदर बाबा शब्द, बाबू शब्द बहुत रेस्पेक्टेड व्यक्ति के लिए कहा जाता है, जो बुजुर्ग होता है, जो हमारे बहुत करीब होता है, जो हमारा गाइड होता है, जो हमारा गुरु होता है, उसको देवता को हम बाबा कहकर बुलाते हैं। जैसे हम रामदेव बाबा को बाबा कहते हैं, है ना, तो हमारे घर में भी एक बाबा होता है, बाबा सानी कह दो बाबा सा। तो इन व्यास जी के मुंह से निकले बाबू बैठे हैं। हमने सीधा कार का दरवाजा बंद किया और हम दोनों ने आके स्वामी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके वापस मुड़े, अपना अटैची निकाला, निकाल के, और मुझे नहीं पता कि जब हम अटैची लेके भवन में घुसे तो स्वामी जी कुर्सी पे थे या नहीं थे, है ना। लेकिन जैसे भवन में घुस के और मैंने पीछे मुड़कर देखा, स्वामी जी कुर्सी पर नहीं थे। एक 2 सेकंड का समय होगा कि हमने स्वामी जी को देखा, स्वामी जी बाहर थे और हम अटैची लेकर और भवन के गेट के अंदर घुसे। अंदर सीढ़ियां तो हम चढ़े ही नहीं है, गेट में घुसे और पता नहीं क्यों मैंने ये पीछे मुड़कर देखा, बिना किसी विचार के स्वामी जी कुर्सी पर नहीं थे। मैं ना, मेरे को एकदम झटका लगा, स्वामी जी तो आगे चले गए राजेश जी के पास कमरे की चाबी या कुछ लेने के लिए, और मुझे पीछे मुड़कर मैं वापस बाहर आई और बाहर आकर देखा नहीं थे। 2 दिन लगातार हुए, 25 तारीख को, 24 तारीख की ये बात है, 25 तारीख को भी शाम को व्हाइट ड्रॉप के लिए तैयार होकर मैं बाहर आई और मैंने देखा कि स्वामी जी कुर्सी पर हैं नहीं, ना कुर्सी थी ना स्वामी जी थे। कल शाम को भी व्हाइट ड्रॉप से पहले मैं व्हाइट ड्रॉप के लिए तैयार होकर आई और स्वामी जी कुर्सी पर नहीं थे। और आज तक का इतने शिविर हमने इस हंसा गेस्ट हाउस में किए, हमने कभी संचालक महोदय को बाहर गेट से बाहर कुर्सी लगाकर बैठा नहीं देखा। इसलिए कहती हूँ,
हम ही उसका इंतजार नहीं करते, वो भी हमारा इंतजार करता है, उसे भी उम्मीद रहती है कि मेरे प्रेमी आएंगे और वो रास्ता भी साफ करता है आपका। तो ये कभी मत समझिएगा कि वो जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। इसलिए भूल कर भी ये संदेह नहीं कीजिएगा कि वो छोड़ देते हैं। उनकी एनर्जी काम करती है और रात दिन काम करती है। आप थोड़ा भटक कर तो देखो, थोड़ा सा रास्ते से हटकर तो देखो, वो हाथ पकड़कर वापस आपको खींच कर ले आते हैं। ये मेरा अनुभव, आप तर्क से पता नहीं क्या कहेंगे इसको, लेकिन मेरे हृदय ने कहा कि नहीं, मेरे बाबे ने मेरा इंतजार किया और बुलाया। एक बात, इस शिविर का अनुभव अगर कहूं तो ऐसा अनुभव कि करना नहीं करना, मोबाइल लेना देना, मतलब कुछ भी नहीं किया हमने इस शिविर के अंदर, पर सब कुछ इतना सहज, इतना आसान, इतना सुगम, इतना सरल कि ये भी नहीं पता कि भरे हैं कि खाली हैं, कुछ मिला या कुछ छूटा, पर बस ऐसे लग रहा है कि हाँ हम जहाँ होने चाहिए वहाँ हम हैं। ऐसे लगा स्वामी जी ने जो धूल जमी थी हमारे ऊपर वो सारी साफ कर दी, और हमारी जो महसूस करने की पावर थी, जो हमारी संवेदनशीलता थी, उसे पुनर्जागृत किया। शायद हम ओशो, अधिकतर ओशो सन्यासियों को इसी चीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ओशो को खूब सुनते हैं, हम ओशो की बहुत सारी ध्यान विधियां घरों पर भी करते हैं, शिविर में भी करते हैं, लेकिन करते करते हम इतने जड़ हो जाते हैं या इतने हैबिचुअल हो जाते हैं या इतना मैकेनिकल हो जाते हैं उन सब चीज़ों के अंदर कि हमारी संवेदनशीलता ही खो जाती है। हमारा जो एक नया अनुभव करने का भाव है या किसी भी चीज़ को महसूस करने की जो हमारी शक्ति है वो ही खत्म हो जाती है, हम जड़ता की पोजीशन में आ जाते हैं। तो स्वामी जी ने अपने जो ध्यान विधियों के माध्यम से, अद्भुत थी वो ध्यान विधियां जो हमने वहाँ की समाधि स्थल पर की, वो बहुत खूबसूरत थी, कई अनुभव बहुत सुंदर रहे। कि स्वामी जी ने कहा कि जाओ अपने अपने पेड़ को चुनो। तो आपने बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया था कि आपके पेड़ ने आपको बुलाया, आपके पेड़ ने आपको पुकारा और आप उसी ही पेड़ के पास गए जो आपका था। ये वाली विधियां कि पेड़ को गले लगाना है, ये हमने इस शक्ति स्थल पर हमने बहुत बार की है ना, लेकिन इस बार कि तुम्हारा पेड़ तुम्हें पुकारेगा, तुम्हारा भी एक पेड़ है ना, वो पेड़ एक पहली बार मिला है ना, और उसने भी, हाँ उसने भी कहा कि आई लव यू, जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा आई लव यू। और दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि पहले दिन इतना मजा आया कि मुझे लगा कि यार मैं बीकानेर में रहती हूँ, इस पेड़ से तो मिलने में रोजाना आ सकती हूँ, है ना, आना चाहिए मुझे, है ना। और कल जब हम वापस से, उसी आशा नहीं थी कि एक बार ही लेके जाते हैं प्राय संचालक, और कल वापस स्वामी जी दोबारा लेके गए, तो सबसे पहले मैं उस पेड़ के पास गई, है ना, तो मुझे लगा अच्छा हम फिर मिल सकते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर अनुभव थे, और स्वामी जी को बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आपने हमें जुड़ना सिखाया। आपकी जो सती योगालय वाली टीम है वो तो बहुत खूबसूरत टीम है, कैसी कैसी सुंदर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण बना देती है, कैसे वो कैंडल लाइट डिनर वाला और शाम का वाइट ड्रॉप तो अविस्मरणीय, इतना खूबसूरत ओशो को हॉल को सजा देना, सारा प्लान कि अपने आप एक भाव बनता है कि हाँ हमारा प्रेमी आएगा और हम उसके साथ नाचेंगे, मतलब वो जो एक एटमोसफियर क्रिएट किया हर चीज़ के लिए, और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत मन प्राणों से जुड़े हैं, उनको हृदय से वंदन, बहुत प्रणाम, बहुत प्यार, और जो कुछ आप हृदय में महसूस करते हैं आपके उस भाव को बहुत बहुत प्रणाम।
कि बहुत खूबसूरत भाव है आप लोगों के, जो समर्पण आप स्वामी जी के साथ जुड़े हैं, ओशो के साथ जो आपका है, बहुत खूबसूरत। मैंने माँ को और एक स्वामी जी को हमेशा स्वामी जी आते उससे पहले टेबल पर इंतजार करते देखा, आधा आधा घंटा तक इंतजार करता है। हम सब लोग खाना खा रहे होते हैं बट दे आर वेटिंग फॉर यू। बहुत खूबसूरत, इतना इंतजार समर्पण के बिना नहीं हो सकता, प्यार के बिना नहीं हो सकता। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत कि आपने हमें इन मोबाइल से मौन के माध्यम से हमें वापस अपने आप से जोड़ने की कोशिश की। हम इसी धारा में बहने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।